मैगजीन में वीडियोस में कहीं पर क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन, लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन, यानी वर्किंग पॉपुलेशन का लार्ज संख्या जो है अगर आपके टोटल पॉपुलेशन में है तो उसे कहेंगे कि हम आपके कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है, आप लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, कुछ लोग सर ना कह रहे हैं कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, आप लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, यस सर नो सर, नहीं नहीं तीन चार टर्म होते हैं, अब देखो मैं डीप में नहीं जाऊंगा, वर्किंग पॉपुलेशन होता है, एक लेबर फोर्स होता है, आप लेबर फोर्स है कि नहीं है सब पूछ के भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना, लेकिन बात कर रहा हूं वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन है वाई टू 60 तो है ही नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे बोले, वर्किंग पॉपुलेशन जो है एज के बेस पे होता है, यूपीएससी का प्रीलिम का क्वेश्चन है जाकर देख लेना, वर्किंग पॉपुलेशन जो एज के बेस पे होता है, एक इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये कहता है कि एज ग्रुप बिटवीन द 15 to 64 ईयर आर कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, इसीलिए 14 साल के बच्चे चाइल्ड लेबर होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होते हैं, वो 15 to 64 ईयर वाले होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, बट इंडिया में चूंकि लोगों की एवरेज एज कम होती है, इंडिया में लोग जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, हमारा लाइफ स्पेन कम है इन कंपेयर टू डेवलप कंट्री एंड दैट्स वाई, और यहाँ इसीलिए कई सर्विसेज में 60 ईयर के बाद जॉब नहीं है, कुछ सर्विसेज को छोड़ करके 58 में भी 60 में भी, तो इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे ने कहा आर्थिक सर्वेक्षण ने 15 to 59 ईयर है ना, इंडिया में 15 to 59 माना जाता है और वर्ल्ड लेवल ग्लोबल लेवल पे 64 माना जाता है। अब डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन में इस एज ग्रुप के लोगों का नंबर कितना है, पता है इंडिया में करीब 68.9% है और 2041 में हम लोग पिक पे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, यानी अराउंड 75% के आसपास लोग जो है ये इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में रहेंगे, और जब एज ग्रुप में यंग यानी यंग लोग काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जीडीपी बूढ़े लोग, जापान क्या हो गया, बूढ़ों का शहर हो गया, अगर देश हो गया, अगर एज देखोगे एवरेज एज, तो इंडिया का एवरेज एज जो है जस्ट 28 ईयर है, जस्ट 28 ईयर, भारत युवाओं का देश है तभी सारी कंपनी इंडिया में आ रही, चाइना का एज एवरेज एज जो है 37 ईयर है, यूएसए का 37 ईयर है, वेस्टर्न यूरोप का 45 ईयर है, जापान का 49 ईयर है, जापान बूढ़ों का देश हो गया है, तो किसी भी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन का लार्ज नंबर जो है वो क्या कहता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, और इंडिया हैज डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक इंस्टीट्यूशन है यूएनपीएफ, यूएनपीएफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये कहता है कि इंडिया में अभी 2055-56 तक 2055-56 तक इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके यहां डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 50 ईयर तक रहेगा, 50 ईयर तक, यानी इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 2056 से शुरू हुआ और 2055-56 तक रहेगा, यानी उस समय तक हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे। चाइना को क्यों चेंज करना पड़ा वन चाइल्ड पॉलिसी, बिकॉज चाइना की एवरेज एज ज्यादा हो रही थी, इसलिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी चेंज कर दिया है 2056 से लेकर के 2055-56 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा, यानी कि युवाओं का देश रहेगा, और जो युवाओं का देश होता है वहां लेबर फोर्स भी होते हैं और वहां पर डिमांड भी होता है, यूथ क्लास इज द मोस्ट कंज्यूमर क्लास, आप ही लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोगों को, हम लोग को, मैं भी यूथ ही हूं, ऐसा क्या बात, बोल थोड़ी कुछ एजेंट है कि नहीं है, कोई एजेंट दिख नहीं रहा है मुझे, वो मुझे बोल रहे आप तो बहुत ओल्ड हो, कहा है, नहीं नहीं क्लास में नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, अब प्रॉब्लम स्किलिंग क्या दिया गया, इंडिया हैज डेमोग्राफिक डिविडेंड बट इंडिया के जो लोग हैं वो
लेबर फोर्स है, स्किल्ड नहीं है, अपने स्किल का एडुकेशन में है ही नहीं। आप में जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है खुद बनाया होगा, स्कूल से मिलता है, हम लोग बाजार से परचेज कर लेते हैं, या पूरा फैमिली बन के बनाता है, पूरा कार्डबोर्ड खरीदता है, कैंची आता है, ग्लू स्टिक आता है, और पूरा आलती पालती मार के सब बैठ गए पूरे भाई बहन, और पूरा बनता है विंड मिल, और ये पूजा के जमा हो जाता है। यू नो चाइना में, जापान में, कोरिया में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं, नट टॉय, वॉच, कैलकुलेटर, वो सब बच्चे घर पे बनाते हैं और जाके स्कूलों में जमा करते हैं, और उसमें से बहुत सारा आके हमारे यहाँ बेचता है, 30 रुपए किलो, 20 रुपए माल, 20 रुपए माल। ये सब वहाँ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अपने यहाँ प्रोजेक्ट हम काफी नहीं करते, अपने स्किल डेवलपमेंट पे है ही नहीं। वी हैव लॉट ऑफ एडुकेशन, वी हैव लॉट ऑफ लिटरेसी बढ़ रहा इंप्रूव, लेकिन हमारे स्किल नहीं है और स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। आईटीआई बना दिया हम लोगों ने, आईआईटी ने, आईटीआई वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ना, आईटीआई। लेकिन आईटीआई में क्या, 10th पास करने के बाद जाओ एडमिशन ले लो और डिप्लोमा ले लो, आता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का आपको डिग्री है, डिप्लोमा है, बट यू डोंट हैव आइडिया कि ब्लैक वायर, रेड वायर, येलो वायर, ग्रीन वायर का क्या मतलब होता है, पता ही चलता है। तो अपने यहाँ एडुकेशन है लेकिन स्किल नहीं है। और जब दुबई की कंपनी आती है, जब कोरिया की कंपनी आती है, तो क्या होता है, उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए और उनको आदमी काम करना भी चाहिए। अपने स्किलिंग पे हम लोग काम नहीं किए। इस गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, कॉरपोरेशन आया था, सुने को एनसीडीसी, उसमें कई टारगेट रहे थे। जितना हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे उतना डोमेस्टिक इंडिया, पता है आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है प्राइस या किसने कहा, इंडिया में 48% जॉब प्राइवेट सेक्टर में खाली हैं, उनको योग्य एलिजिबल स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट है ना। आपको स्किल्ड ड्राइवर मिलेगा, आप गांव में रहते इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा आपको, ना आपको प्लम्बर मिलेगा। सबके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। दुबई की कंपनी आती है, जापान की कंपनी आती है, यूएस की कंपनी आती है, दे नीड ह्यूमन लेबर, बट वो जाते हैं काम करने, दे हैव सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई, दे हैव सर्टिफिकेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बट दे डोंट हैव आइडिया कि हाउ टू डू द वर्क, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम नहीं करते, वोकेशनल एडुकेशन हमारे आए नहीं। सो गवर्नमेंट का मोटो है टू नर्चर द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। और एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि व्हाट इंडिया हैज डेमोग्राफी डिविडेंड बट इज वेरी अनेबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफी डिविडेंड। भारत के पास डेमोग्राफी डिविडेंड है लेकिन हम इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है। स्किलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और चाइल्डहुड से लेकर के, बच्चों से लेकर के बड़े तक हमें स्किल पे काम करना होगा। हम लोग स्किल पे काम ही नहीं करते हैं। अपने पता है स्किल का मतलब है सेफ्टी सिक्योरिटी भी। अपने सेफ्टी से प्लम्बर कोई आएगा, इलेक्ट्रिशियन कोई आएगा, उसको कहो कि ग्लव्स पहन के काम करेगा, हेलमेट पहन के काम करेगा, कर नहीं पाता है। सब पान सिंह तोमर है, सब मिल्खा सिंह है, दे आर गुड रनर बट दे कांट रन विद द शूज। यही तो प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। करेजियस लोग हैं, बिजली खंभा पे चढ़ जाएगा, नहीं कहो कि ग्लव्स पहन के, शूज पहन के चढ़े, वो चढ़ नहीं पाएगा। फॉरेन कंपनी जब आती है तो कहती नहीं, वी नीड सर्टिफिकेट, वी नीड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड वी नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सब चाहिए हमें, तभी हम उसको हायर करेंगे, क्योंकि वहां उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके मानक होते हैं, उसी पे काम करना होता है। सो गवर्नमेंट इस बजट में कहा है कि आपको कंट्री को डेवलप करना है तो आपके पास जो यूथ पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको यूज करना पड़ेगा, और उसको यूज आप कंट्री के अंदर नहीं कर सकते हैं, कंट्री के बाहर भी करना होगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द स्किलिंग, हमें स्किल पे काम करना पड़ेगा। स्किलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये पूरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इस पे लेक्चर भी होता है एमएसएमई पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएमई। और इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक एमएसएमई पे बड़े कंट्रोवर्सीज रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने एमएसएमई पे फोकस नहीं किया, ऑल्दो आर्बिट्रेशन कमेटी आई थी और उसने कई सजेशन दिए 2006 में एमएसएमई के लिए एक्ट बना था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। एमएसएमई क्राइटेरिया होते हैं, एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई कैसे होता है, इसके दो क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और
टर्नओवर के बेसिस पर, दोनों के बेस पे टका एमएसएमई है। 2006 में आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आया, और 20 में मई में आया, 20 के जून में भी आया, दो बार आया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का क्राइटेरिया है, एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट किया है, और उसमें आता है टर्नओवर के बेस। टर्नओवर मतलब जितना सेल होता है ईयर में, जितना सेल होता है टर्नओवर कहते हैं। उन दोनों क्राइटेरिया पर हम एमएसएमई कम करते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया की बात नहीं करनी है, रोल ऑफ द एमएसएमई इन द विकसित भारत 2047 थीम ही वही है। तो यू मस्ट नोट दैट कि एमएसएमई क्या होता है, ये लेबर इंटेंसिव होता है, ये श्रम उन्मुख होता है, हिंदी में कहते हैं लेबर इंटेंसिव। मतलब क्या होगा कि जो हेवी इंडस्ट्री होते हैं उनमें कैपिटल ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, लेबर कम मिलता है, लेबर को कम काम मिलता है। दो इंटेंसिव होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, मोर कैपिटल, मोर टेक्नोलॉजी, लेस लेबर। और लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेस कैपिटल कंपेरेटिवली एंड मोर इंगेजमेंट ऑफ लेबर। जो पहले स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज थे वो ज्यादा लोगों के द्वारा काम होता है। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, यह जान लो कि हाउ, इसे बार बेस पर क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है मेंस का, एमएसएमई पर, एमएसएमई पे मेंस का क्वेश्चन आया था कि स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एमएसएमई। रोज हर साल, चाहे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो, चाहे 50 हो, चाहे एमएसएमई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हो, लगातार स्कीम लॉन्च होता है गवर्नमेंट का, और ये सब तो यूपीएससी में पूछता है क्वेश्चन। प्रीलिम तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है, मेंस तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। मेंस का तो इकोनॉमी में आपको जो 11 टॉपिक दिए गए उसको ढंग से पढ़ लो, उसी में से 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 उसी में से 1 करंट का क्वेश्चन आएगा, बाकी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बजट को जोड़ दो, सर्वे को जोड़ दो, सिलेबस को जोड़ दो, तो आपके सारे क्वेश्चन उससे हो जाए। और हर सब्जेक्ट में आप लोग वही सिलेबस को जोड़ करके क्वेश्चन करना होगा। हमें सब कुछ आता है, पूरी हिस्ट्री आती है, पूरी ज्योग्राफी आती है, पूरी पॉलिटी आती है, सिर्फ एक चीज नहीं आता, सिलेबस यूपीएससी का। यूपीएससी के सिलेबस के एक एक वर्ड को आपको बाइफर्केट करके उसको सब हेडिंग के थ्रू जितना डीप में जा सकते हो, करंट से जोड़ सकते हो, आप करिए। आपके एक भी क्वेश्चन आपके लिमिट के बाहर, एंड डोंट डिपेंड ऑन द टीचर्स ओनली। टीचर्स हैज द लिमिटेशंस, आवर्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आपके पास आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट के नोट्स बनना चाहिए, और इसलिए क्वेश्चन वहां से आते हैं। ओके, सो लेबर इंटेंसिव। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहा था, इकोनॉमिक सर्वे 2017 या 2018 का, एग्जैक्ट याद नहीं मिलता है, छोड़ दो। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार कोट करते हैं हम लोग एग्जाम में, कि एमएसएमई आज मोर लेबर इंटेंसिव। एमएसएमई इंडिया के लिए कैसे डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, तो देखो, एक होता है हेवी इंडस्ट्री और एक होता है एमएसएमई। एमएसएमई कहता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हेवी, अगर इसमें आप कैपिटल लगाते हैं, सपोज रुपीज वन करोड़, और इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल ₹1 करोड़, तो कैन यू बिलीव इसमें जितना इंप्लॉयमेंट दोगे, मान लो इसमें इंप्लॉयमेंट 10 दे रहे हो आप, इसमें इंप्लॉयमेंट 10 दे रहे हो, तो पता है इसमें कितना इंप्लॉयमेंट आएगा, 80 to 250 times, यानी कि 1 करोड़ रुपए लगा करके आप हेवी इंडस्ट्री पे जितना जॉब दोगे उससे 80 to 250 times आप इस पे जॉब दोगे। और इसी पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है दो बार, जॉबलेस ग्रोथ, इंडिया हैज एक्सपीरियंस अ जॉबलेस ग्रोथ, और यही कारण था नेहरू और गांधी में डिस्प्यूट का। नेहरू वाज द सपोर्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और उन्होंने सीधे हेवी इंडस्ट्री पे जंप कर दिया, नेहरू और मालोविस मॉडल 1956 सेकंड फाइव ईयर प्लान, सीधे जंप कर दिया। गांधी कहते थे कि नहीं, आप आइए एमएसएमई पर, आप उस पर आइए स्मॉल कॉटेज पर, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन है और हमें ऐसा जॉब चाहिए, हमें ऐसा सेक्टर चाहिए जो कि लोगों को जॉब दे। कैपिटल जो बड़े हेवी इंडस्ट्री होते हैं, ट्रक की इंडस्ट्री, कार की इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री, इस सब में पैसा ज्यादा लगता है, लेबर कम मिलता है। एमएसएमई गारमेंट इंडस्ट्री,
एमएसएमई फुटवेयर इंडस्ट्री, एमएसएमई एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जितने आप लोग खाते हैं चिप्स माजा है सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं एमएसएमई में आती हैं। और एमएसएमई में इम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, और इंडिया में जब तक इम्प्लॉयमेंट नहीं होगा ना तब तक क्या होगा, डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। ये दो दो बार क्वेश्चन पूछा है, एमएसएमई में पूछा है दो बार तीन बार, और 13 में जो सिलेबस चेंज हुआ, और जॉबलेस ग्रोथ, इंडिया हैज एक्सपीरियंस जॉबलेस ग्रोथ, हमने ग्रो किया है लेकिन हमारा ग्रो उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने कैपिटल इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस किया और इसमें भी ग्रो नहीं कर पाए, हम चाइना को, कोरिया को, जापान को कम्पीट नहीं कर पाए, इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी था ये हम इस पर कर ही नहीं पाए काम, और इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है अभी इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में अराउंड 45% to 48% समथिंग कंट्रीब्यूशन जो एमएसएमई का है। एमएसएमई लेबर इंटेंसिव जॉब देता है, एमएसएमई इंडिया को सूट करता है कई कारणों से, एमएसएमई इंफ्रा कमजोर चाहिए, बड़ा इंफ्रा नहीं चाहिए, एमएसएमई का सेटअप एनीवेयर, हेवी इंडस्ट्री को बड़े जगह सेट करना सकता है। एमएसएमई सबसे बड़ा फायदा कि एमएसएमई जो प्रोडक्ट होंगे वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे होते हैं कैपिटल प्रोडक्ट, कार, ट्रक, बसेस, मेट्रो कोचेज, जेसीबी, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, ये सब यहाँ पे बनेंगे, बड़े बड़े ये कैमरा, ये सब ये बड़े बड़े यहाँ बनेंगे, एसी, ये सब यहाँ बनेंगे। इनकी डिमांड कंपेटिवली माजा, स्लाइस, ब्रेड, बटर, चिप्स, शूज, स्लीपर, क्लॉथ, इनके कंपेयर में इनकी डिमांड कम होती है, इनकी डिमांड ज्यादा होती है। और इंडिया में पॉपुलेशन ह्यूज है, यूथ पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, तो हमने इसको प्रमोट किया होता तो हमारे डिमांड भी होते, और डिमांड होते तो फर्दर प्रोडक्शन भी होते, लोगों का जॉब मिलता है, जॉब मिलता है तो फिर इम्प्लॉयमेंट होता है, इम्प्लॉयमेंट मिलता है तो फिर फर्दर प्रोडक्शन होता, फर्दर इनकम बढ़ता। सो एमएसएमई पे गवर्नमेंट करेगी नो, वी आर दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने कई जगह एमएसएमई के लिए रोज स्कीम लॉन्च करती है, और स्कीम लॉन्च करके गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई को प्रमोट करें, इसके चलते कंट्री में। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहे हैं। व्हाई इंडिया नीड ड्राइवरलेस कार, हमें क्यों जरूरत है, हम कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में दो मेट्रो एक रूट हो गया, इसमें मेट्रो ड्राइवरलेस चलता है, इंडिया को ड्राइवरलेस मेट्रो की नीड नहीं है, इससे इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हमें एआई की नीड नहीं है, है कुछ ऐसे जगहों पे जहां ह्यूमन बीइंग काम नहीं कर सकता। हमें रोबोट की नीड नहीं है, हमें रोबोट की नीड है, हजार्डियस वर्क है, अब मेन होल क्लियर करना है, सफाई करनी है, अंदर माइंस में जाना है, वहां रोबोट लगाओ ना, बट हमें रोबोट, इंडिया मस्ट बी फॉलो द, मस्ट नॉट फॉलो द वेस्टर्न टेक्निक, डेवलप कंट्री, हमने हमेशा हम नकल किए हैं, हमेशा हम लोग फॉरेन कंट्री के नकल किए हैं, और इसी चलते हम लोगों का जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ा है उस रेशियो में हमारा जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, और जॉब क्रिएट नहीं होगा तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बाकी छोड़ दो तो कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लो, बाकी सब फिलोसफी मेरा छोड़ दो, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखो कि एमएसएमई क्या रोल है। अब एमएसएमई समझ जाएंगे, एमएसएमई का चीज समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंस एमएसएमई क्राइटेरिया, एमएसएमई का इंपॉर्टेंस, एमएसएमई कंट्रीब्यूशन, और एमएसएमई का स्कीम, चार चीजें पढ़ना ही है इसमें। एमएसएमई का क्राइटेरिया, एमएसएमई का इंपॉर्टेंस, एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई के चैलेंजेस, और एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च की है, ये चार हर टॉपिक में ऐसे ही करना है। आजकल चूंकि आप ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि इतने सोर्सेज हैं कि आप दिन रात सोर्सेज इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में कंफ्यूज रह रहे हैं आप, सिलेबस पे कंफ्यूज रहिए, सिलेबस पे काम कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलिए, नोबडी कैन स्टॉप यू। लास्ट फोर्थ जो मेरा फेवरेट है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अराउंड 55 करोड़ जो है मिडिल क्लास है, शायद इससे भी ज्यादा, और लगभग इतना ही जो है यूथ है, यूथ 55 करोड़, यूएस और यूरोप के पॉपुलेशन के लगभग बराबर, 34 करोड़ वहां है, 26-27 करोड़ यहां है, इन दोनों 60 करोड़ के आसपास हुआ,
हमारे पास इतना मिडिल क्लास है एंड मिडिल क्लास इज द कंज्यूमर क्लास। सो गवर्नमेंट ने जो बजट प्रोविजंस किए हैं वो टैक्स वगैरह कम करना बढ़ाना घटाना क्यों किया है कि मिडिल क्लास का इनकम बढ़े। ये जो बताया था टैक्स में ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं, एक टर्म होता है डिस्पोजेबल इनकम, सुना नाम कभी, वैसा इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, यानी टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम बचता है उसे कहते हैं डिस्पोजेबल, हिंदी में कहते हैं प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। सो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है कि गवर्नमेंट को $5 trillion इकोनॉमी होना है, गवर्नमेंट को डेवलप कंट्री करना है, उसके लिए GDP बढ़ाना होगा, और GDP तभी बढ़ेगा जब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। उल्टा चलो, GDP से मत बोलो कि इनकम बढ़ेगा, GDP तभी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगा, डिमांड तभी बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बजट में प्रोविजंस किए गए हैं सो दैट कि लोग कंज्यूम ज्यादा करें, जितना कंज्यूम करें, कंज्यूम तभी करेंगे जब या तो उनकी इनकम बढ़ेगी और या क्या, या उनका खर्चा बचेगा, यही होना, इनकम बढ़ेगी या खर्चा बचेगा, टैक्स कम पे करें तो पैसा बचेगा। सो डेफिनेटली क्या होगा कि ये 55 करोड़ लोग जो डिमांड करते टैक्स, तभी तो इंडिया जो कर रहा है, रसिया यूक्रेन में वार हो रहा है और हम लोग रसिया से तेल लेकर के यूरोप को बेच रहे हैं, कोई रोक नहीं पाया हम लोगों को, कोई नहीं रोक पाया, क्यों, बिकॉज दे नो कि अगर हम रोकेंगे इसको, ये हमें रोक दिया तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, इनका सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया शुड नॉट वरी अबाउट द फॉरेन ट्रेड, हमें फॉरेन ट्रेड की चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है व्हाट्सएप नहीं रहेगा, हम कुछ से काम चला लेंगे, ठीक है मर्सिडीज BMW नहीं आएगा, हम टाटा और स्कॉर्पियो से काम चला लेंगे। गवर्नमेंट कहते शुड नॉट वरी अबाउट द फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास, इंडिया क्या चिंता करे, एक समय में एक टाइम पे हमारे 1 करोड़ लोग ट्रेन में बैठे हैं, अभी 1 करोड़ लोग, पूरा देश दुनिया घूम रहा है 1 करोड़ लोग, तो इंडिया में डिमांड है, अपनी इकोनॉमी है, सो हमें, और उसमें मिडिल क्लास है, जो मैंने कल कहा था लोग क्या कहेंगे, मिडिल क्लास का टर्म होता है लोग क्या कहेंगे, दिस लोग क्या कहेंगे जनरली इंक्रीज द डिमांड, लोग क्या कहेंगे, आप में से बहुत सारे लोग इसका लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े पहन के जाओगे लोग क्या कहेंगे, टिफिन लेके आते हैं रोटी अचार है पराठा अचार है, लोग क्या कहेंगे।